मूली के पत्तों के पराठे। मूली के पत्तों के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए आवश्यक सामग्री: 1 कटोरी आटा, 1/4 कटोरी बेसन, 1 बड़ी मूली कद्दूकस की हुई इस तरह की, 4 से 5 हरी मिर्च दरदरी, 1 टीस्पून अजवाइन, इस तरह की महीन कटी हुई मूली के पत्ते, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून हींग, सेकने के लिए सरसों का तेल। अब मैं इसे बनाना बतला रही हूँ। यह मैं आपको 4 से 5 लोगों के लिए बनाना बतला रही हूँ। एक थाली लेंगे या गहरी प्लेट कुछ भी लीजिए, उसमें आटा डालिए, बेसन डालिए और उसे अच्छी तरह मिला लीजिए इस तरह। जब दोनों अच्छी तरह मिल जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून दरदरा किया हुआ हरा मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टेबल स्पून अजवाइन, नमक हम डालेंगे स्वादानुसार। अब डालेंगे कद्दूकस की हुई मूली, हम डालेंगे महीन कटे हुए मूली के पत्ते और उसे अच्छे तरह मिक्स कर देंगे। जब तक हम इसको गूंथेंगे तो हम गैस पर तवा चढ़ा देंगे ताकि वो गर्म हो जाए। मूली के पत्तों से पूरा आटा गूंथ लिया है इस तरह का। मेरा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। मैंने इस तरह का मूली के पत्तों से आटा गूंथ लिया। इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, केवल हमें मूली के पत्तों से ही आटा अच्छी तरह से गूंथना होता है। ये मेरा आटा गूंथ कर तैयार है। अब इसमें हम हल्का सरसों का तेल लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। इस तरह हमने इसमें सरसों का तेल लगाया। अब हम हाथ में भी सरसों का तेल लगाएंगे और इसके इस तरह के बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। इसे बने हुए लोई को आटे में इस तरह से डिप करेंगे और उसे इस तरह से गोल बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म है पहले से, उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सरसों का तेल ताकि तवा चिकना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे मिला हुआ पराठा। गैस की आँच हम तेज कर देंगे। जब तक कि पराठा एक तरफ से सिक रहा है, हम दूसरा पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है इस तरह। इसे हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि ये फट जाता है। एक का पराठा सिक चुका है जिसे हम पलट देंगे। इसमें अच्छे तरह चारों तरफ सरसों का तेल लगाएंगे। इस तरह से हमें चम्मच से दबा दबा कर पराठे सेकना है ताकि ये अंदर से भी करारा हो जाए। इस तरह का ही सीख गया है। इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट कर
पराठा सिक गया है और हम इस तरह दूसरा पराठा भी डालकर सेक लेंगे। और इसको हम सर्व करेंगे, उसके लिए हम एक प्लेट लेंगे। इसमें चारों तरफ हम इस तरह से मूली के पत्ते कटे हुए सजा देंगे। अब इसमें हम रखेंगे सिका हुआ ये पराठा और इसे सर्व करेंगे। आपने मूली के पराठे तो बहुत खाए होंगे, परंतु मूली का स्पेशल, मूली के पत्तों का स्पेशल पराठा खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।